नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गौरक्षा के नाम पर कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मामला है दिल्ली से सटे फरीदाबाद का, जहां एक ऑटो में गौमांस होने के शक पर कथित गौरक्षकों ने एक ऑटो ड्राइवर और उसके साथी को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने ऑटो चालक को भारत माता और हनुमान की जय बोलने के लिए कहा और न बोलने पर उसे पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। आरोप है इसी दौरान ऑटो चालक के अन्य 3 साथियों को भी पीटा गया। फिलहाल पुलिस ने 5 पीड़ितों के खिलाफ ही गौरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस बात की जाँच में है कि गाड़ी में गौमांस था या नहीं। वहीं अभी भी पुलिस पीड़ितों की शिकायत का इंतजार कर रही है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस कदर इस युवक को पीटा गया और कैसे उसे भारत माता और हनुमान की जय बोलने के लिए कहा गया। इस युवक की इस कदर पिटाई की गई कि इसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद के बाजड़ी गाँव का है, जहाँ कथित गौरक्षकों ने ऑटो चालक और उसके साथी को पहले जमकर पीटा और फिर उसे बचाने आए 3 युवकों को पीटा। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने भारत माता की जय और हनुमान की जय कहने के लिए भी कहा गया और फिर ना बोलने पर और पीटा। पीड़ित की माने तो वह अपने साथी की मीट की दुकान के लिए अपने ऑटो में मीट रखकर ले जा रहा था। इस दौरान उसका एक और साथी ऑटो में बैठा था, लेकिन जैसे ही वे फरीदाबाद के बाजड़ी गाँव के नजदीक पहुंचे, तभी पीछे से आई एक कार में सवार कुछ युवकों ने उसके ऑटो को रुकवा लिया और रोक कर किसी लड़के के बारे में पूछा और जब उसने कहा कि वो उन्हें नहीं जानता है तो आरोपियों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों के सामने भी उन्हें पीटा गया। सर, वो कह रहे हैं कि हम पाली के हैं, आप चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वो लड़का आ जाए। मैं बोला भाई हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं 3 नंबर रहता हूँ मस्जिद चौक पे। उन्होंने 10-5 थप्पड़ मारी, जब तक उन्होंने बोला बोलो भारत माता की जय, बोला हनुमान की जय, प्रशासन के सामने ही बोला। और एक आध 50 ने लात घूसों से मार मार के बोला मैंने नहीं बोला भारत माता की जय, नहीं बोला मैंने हनुमान की जय। वहीं पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों के खिलाफ ही गौरक्षा संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया है। अब जाँच के बाद ही तय हो पाएगा कि गाड़ी में गौ मांस था या नहीं। वहीं अभी भी पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करने की बात कह रही है। देखिए, ये मुजेसर का एरिया है, संजय कॉलोनी चौकी पड़ती है। वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोगों ने पकड़ा है, कुछ लोग जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मीट को, जिसको काउ मीट सस्पेक्ट किया गया है, तो उन्होंने पब्लिक ने रोक लिया उनको और पकड़ के थोड़ा, वो 5 लोग थे, 2 एक गाड़ी में थे, 3 दूसरी गाड़ी में थे, पीछे पीछे आ रहे थे, तो उनको थोड़ा रफ अप भी किया है। तो इसमें एक तो हमने काउ स्मगलिंग एक्ट की हमने FIR दे दी है, बाकी उनको जो जिन लोगों को चोटें पहुंची हैं 5 में से, उनको हम अभी BK हॉस्पिटल में भी एक है अभी जिसका इलाज चल रहा है, तो उनसे हम कंप्लेंट लेके उनकी कंप्लेंट पे भी एक FIR दर्ज करेंगे, जो उनके साथ बदसलूकी या फिर हाथापाई की गई है। मेडिकल के अकॉर्डिंग हम लोग सेक्शंस लगा के FIR दर्ज कर देंगे उसकी भी। पति मीट छोड़ने जाते हैं, क्या करते हैं पति? ये दूसरे मीट लेके दुकान पर छोड़ते हैं, बस काम है इनका। हाँ, ऑटो चलाते हैं। हाँ, ऑटो चलाते हैं। आज क्या हुआ था? आज ये मीट छोड़ने गए, जैसे रोज जाते हैं। तो क्या इसके मारपीट की? किन लोगों? वहीं के लोग, हिंदू है। वो कह रहे कि भारत माता की जय बोल, इसने नहीं बोला तो इसकी मार डाली इसको।